दोस्तों, हमास के हमले के बाद हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास फिलिस्तीन का तो हिजबुल्ला लेबनान का आतंकी संगठन है। अब आप सोच रहे होंगे हम हिजबुल्ला के बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से हिजबुल्ला का नाम सामने आया है। वजह है आतंकी संगठन हिजबुल्ला के रॉकेट और ड्रोन अटैक की वजह से उत्तरी इसराइल के जंगलों में भयंकर आग लग गई है। ये आग बेहद भयावह है। इजरायली अग्निशमन दल इसे बुझाने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि पुलिस ने कई स्थानों पर रास्ता और मुख्य मार्गों को भी बंद कर दिया है, ताकि लोग आग वाले इलाके में ना जाएं। बहुत से इजरायली नागरिक जो कि लेबनान की सीमा के पास रहते हैं, उनके घरों के आस पास जंगल जल रहा है। हालांकि यहाँ के निवासियों को महीनों पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया गया था, क्योंकि हिजबुल्ला आतंकी लगातार इसराइल पर हमला कर रहे हैं। साथ ही इसराइल भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हिजबुल्ला और हमास मध्य पूर्व के दो ताकतवर संगठन हैं, जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इसराइल से लड़ रहे हैं। दोनों के मकसद भले ही एक हों, लेकिन जमीनी रणनीति और सैन्य क्षमताएं अलग अलग हैं। बात करें हमास की कि हमास क्या है, तो हमास एक इस्लामी उग्रवादी आंदोलन है और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के दो मुख्य राजनीतिक दलों में से एक है। ये गाजा पट्टी में 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों पर शासन करता है, लेकिन ये समूह इसराइल के खिलाफ अपने सशस्त्र प्रतिरोध के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। अक्टूबर 2023 में हमास ने दक्षिणी इसराइल पर एक बड़ा आश्चर्यजनक हमला किया, जिसमें सैकड़ों नागरिक और सैनिक मारे गए और दर्जनों को बंधक बना लिया गया। इसराइल ने जवाब में समूह पर युद्ध की घोषणा की है और संकेत दिया है कि इसकी सेना इसे हराने के लिए एक लंबे अभियान की योजना बना रही है। हमास, जिसका संक्षिप्त नाम हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया, इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन है। इसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी, जो एक फिलिस्तीनी मौलवी थे। अब बात करें हिजबुल्ला की। हिजबुल्ला, जिसका अर्थ है ईश्वर की पार्टी, ये हमास का सहयोगी है। हमास एक सुन्नी संगठन है तो हिजबुल्ला शिया है। इसे 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने लेबनान पर आक्रमण करने वाली इजरायली सेना से लड़ने के लिए स्थापित किया था। ये इसराइल का कट्टर दुश्मन बना हुआ है, जो इस समूह को अपनी सीमाओं पर सबसे बड़ा खतरा मानता है। वर्ष 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच युद्ध के बाद हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच लेबनान इसराइल सीमा पर सबसे गंभीर टकराव चल रहा है। हिजबुल्ला सीक्रेट तरीके से काम करता है, जिससे उसके आंतरिक कामकाज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिल पाना मुश्किल होता है। हमास और हिजबुल्ला दोनों ही संगठनों का एक ही मकसद है, और वो है इसराइल का विनाश। अमेरिका हिजबुल्ला को अक्टूबर 1983 में बेरूत में उसके मरीन मुख्यालय पर हुए आत्मघाती बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार मानता है, जिसमें 241 सैनिक मारे गए थे। वह 1983 में अमेरिका दूतावास और 1984 में उसके परिसर पर हुए दो आत्मघाती बम विस्फोटों के लिए भी जिम्मेदार मानता है। फिलहाल हिजबुल्ला के इसराइल पर अटैक से इसराइल के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है, जिसकी वजह से कुछ इसराइली घर भी जल चुके हैं। इसराइली मिलिट्री ने आग बुझाने के लिए जरूरी यंत्र और सैनिक भी भेज दिए हैं। वहां आग फैलने की वजह से सूखा और मौसम भी गर्म हो चुका है। इसी बीच इसराइली मिलिट्री ने बयान जारी किया है। इसराइली मिलिट्री ने कहा कि इसराइली सेना ने आग वाली जगह पर काबू पा लिया है। फिलहाल किसी इंसानी जिंदगी को आग से खतरा नहीं है। इसके साथ ही इसराइल के वन विभाग ने कहा कि आग ने सैकड़ों एकड़ जंगल को जला दिया है। हालांकि नियंत्रण प्रयास जारी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।